ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह, तो आप लोग इस वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस आप लोग जो बस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना गाइस, मैं आप लोगों को एकदम सिंपल स्टेप में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि गाइस आप लोगों को जो इस टाइप की फोटो कैसे एडिट करनी है, बस आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना। बाकी गाइस अगर अभी तक आपसे मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो में, बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी को सबसे पहले उस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। अब गाइस आपको यहाँ पे क्या करना, आपको जाना ऐड फोटो मैंने गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल का पीएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैंने मॉडल का पीएनजी एकदम मतलब इरेज कर रखा था पहले से, ताकि मतलब आप लोग जो टाइम वेस्ट है जो ना हो, एंड जो मेरा वीडियो है वो जल्दी से मैं आपको समझा दूँ कि आपको कैसे मतलब कि एडिट करना है, ठीक है। तो अगर आप में से किसी भाई को बैकग्राउंड रेज करना नहीं आता है, तो मैंने रिसेंटली अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली उसके ऊपर, तो अगर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो आप लोग उस वीडियो को जाकर वॉच करना। बाकी पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर जब आप यहाँ पर अपने मॉडल में ऐड करोगे तो अगर आपको जो है कुछ हाइट वगैरह कुछ कितना रखना है, ठीक है। मैसेज जो आपको साइड में दिख रहा है आपको उसके हिसाब से हाइट रखना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, तो आप उसके हिसाब से रख लेना। अब गाइस यहाँ पे जो आपको मॉडल के नीचे ऐड करनी है एक शेडो, ठीक है। तो शेडो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो गाइस कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है उनको मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरे जो मतलब मॉडल है इसका थोड़ा बैठाना अच्छे से, तो मैं इतना इरेज कर लेता हूँ। अब गाइस इसमें जो हम ऐड करनी है शेडो, ठीक है। तो शेडो ऐड करने के लिए गाइस यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ से आपको एक ब्लैक कलर की शीट ऐड कर लेनी है बैकग्राउंड में जाकर, ठीक है। यहाँ से ऐड कर लेनी है। एंड गाइस आप मतलब कि शेडो जो हम इस तरीके से बना रहे हैं, मैं आपको जिस तरीके से कर रहा हूँ, अगर आप में आपको किसी और तरीके से या किसी नए तरीके से मतलब आपको आपका कोई पर्सनल है कोई तरीका मतलब शेडो बनाने का, तो आप उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप यार सेम इसी तरीके से बनाओ, मतलब गाइस यहाँ पे मेन चीज़ क्या है जो है शेडो, ठीक है। बस आपको शेडो बनानी है यहाँ पे, एंड मैटर नहीं करता आपको किस तरीके से बना रहे हो किस तरीके से नहीं, बस शेडो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम शेडो हमारी जो है यहाँ पे हम फटाफट बनाते हैं, एंड फिर बताता हूँ मैं आपको आगे करना है। तो गाइस देखिए आप यहाँ पे हमने जो शेडो वगैरह बना लिया है, हम अपनी फोटो यहाँ पे सिंपली डन कर लेंगे। अब गाइस देखिए यहाँ पे ऐड फोटो हम जाएंगे दोबारा, एंड यहाँ से ऐड करेंगे हम एक पीएनजी और, ठीक है, उसका हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे गाइस इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको लगा के एंड फुल स्क्रीन कर देंगे ताकि जो है फोटो में एकदम अच्छे तरीके से फिट हो जाए, फिर उसके बाद हम इसको कर देंगे डन। अब गाइस इसमें देखिए आप सभी को क्या करना, आपको अपनी फोटो को सेव कर लेना, क्योंकि इसमें कभी कलर करेक्शन भी करनी है, ठीक है। तो गाइस बैकग्राउंड में जो पिकअप की आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि अभी रात का टाइम है ना। तो अब गाइस देखिए यहाँ पे कलर्स में आपको जाना है, फिर यहाँ पे लाइट्स में, ठीक है, कलर्स में नहीं लाइट्स में जाना है आपको, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, हाईलाइट जो है यहाँ पे आप सभी को थोड़ा इंक्रीज कर देना है, जो शेडो है इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर माइनस की तरफ कर देना है, एंड जो व्हाइट है यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका जो व्हाइट है जिसको इंक्रीज कर देना है, ब्लैक है जिसको यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है कलर्स में, आपको यहाँ पे गाइस वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, इसको मैं जो है टेम्परेचर इसको कम कर देना ताकि फोटो मुझे थोड़ी सी ब्लू टोन आ जाए। फिर उसके बाद आपको जाना मिक्स में, ठीक है, कलर मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको माइनस करना है, जो ल्यूमिनस है इसको हमें बढ़ा देना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है यहाँ से येलो कलर में आपको इसको ह्यू माइनस कर देना, सैचुरेशन प्लस कर देना। फिर आपको जाना है डार्क ब्लू में आपको इसका ह्यू माइनस करना है, जो सैचुरेशन इसको हमें प्लस कर देना। इतना हो जाने के बाद आपको वैसे क्लियर करना है, आपको कर देना सिंपली डन। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है नीचे टू में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी को इंक्रीज कर देना, फोटो में जो विग्नेट है वो थोड़ा सा डाल देना, ठीक है। एंड नीचे में आपको ग्रेन अमाउंट आपको उसको बढ़ा देना, एंड जाना आपको फिर नीचे टू में, आपको हमें गाइस पहले फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोट रुक्सन उसको बढ़ा देना है, एंड स्क्रीन के अलावा कलर नोट रुक्सन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।